हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए अपडेट के बारे में जो कि निकल के आ रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से। यहाँ पे जो लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं कुछ स्टेट से संबंधित, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग अप्रेंटिस नहीं करना चाहते हैं वो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ITI अप्रेंटिस, ठीक है। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है ट्रेड की यहाँ पे आई हुई है अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी। तो पहला यहाँ पे अटेंडेंट ऑपरेटर केमिस्ट्री प्लांट, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मशीनिस्ट, टर्नर, ठीक है। ये एक सेक्शन हो गया। और अगर आपको इसमें ज्वाइनिंग होती है तो आपको 8,050 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे, ठीक है। नीचे देख लेते हैं, नीचे है कारपेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, मैकेनिक डीजल, प्लम्बर, वेल्डर। अगर इन लोगों का सिलेक्शन होता है तो 7,700 रुपये पर मंथ मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10th एंड ITI इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स ड्यूरिंग 2018, 2019 एंड 2020 में जो पास आउट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सबसे पहले सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने किया ही होगा, जिन लोगों ने नहीं किया उनको जाके करना है। ITI पास कैंडिडेट हु आर विलिंग टू ज्वाइन एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इन NFC आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू NIPS पोर्टल, यानी कि apprenticeshipindia.org पे आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह लॉगिन वगैरह करके तब आप उसी की सहायता से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई डायरेक्ट आपको अप्लाई नहीं करना है, यानी कि apprenticeshipindia.org से अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है अभी वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है, कैंडिडेट इन ईच ट्रेड विल बी सिलेक्टेड इन ऑर्डर द मेरिट एंड कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली थ्रू ईमेल। जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट पर सिलेक्शन होगा और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको मेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ अप्रेंटिस एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ नेसेसरी कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन NIPS पोर्टल इज 5/6/2021, यानी कि 5 जून से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। चौथा है, एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट इनकम्प्लीट आर लाइबल टू रिजेक्ट, यानी कि जिनका क्या होगा, जो इस डेट के बाद अप्लाई करते हैं उनका जो है क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पांचवा पॉइंट भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन NIPS पोर्टल अगेंस्ट NFC नीड नॉट टू अप्लाई, यानी कि जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। छठवां क्या है, द गाइडलाइन विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC कैंडिडेट विल बी फॉलोड एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ठीक है। नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड ड्यू टू ऑनगोइंग पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है तो इस समय कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मेरिट बेस पर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, मैं यहाँ पे apprenticeshipindia.org की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ, ठीक है। तो इस पर अप्लाई करने के लिए आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा होम, गेट स्टार्टेड, और तीसरा ऑप्शन दिखेगा अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर जो है क्लिक कर देना, यानी कि अप्रेंटिस के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई हैं उस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे यहाँ से, देखिए तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर देखिए लिखा होगा कि आप मतलब सर्च कोर्स के हिसाब से कर सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से कर सकते हैं और सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट नेम के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं NFC को क्या कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखिए अब यहाँ पर जो वैकेंसीज आई होंगी उसमें वो खुल के आ जाएंगे, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में जो 18 अपॉर्चुनिटीज हैं वो खुल के आ गई हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, ठीक है। इस तरीके से आप मैकेनिक डीजल यहाँ पे देख सकते हैं, मैकेनिक डीजल यानी कि जिस भी ट्रेड से संबंधित है, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, अटेंडेंट ऑपरेटर हो गया,
इलेक्ट्रीशियन हो गया, जो भी मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन में बताया वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई जो भी जिस भी उससे आप संबंधित हैं उसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, अब तक बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।